हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हैप्पी बेली में। आज हम बनाने वाले हैं सिंधी ऑथेंटिक डिश, जो बहुत ही फेमस है हर सिंधी घर में, जो है सिंधी लोले। तो ये बहुत ही ओकेशनली बनते हैं, लेकिन बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो बात करते हैं बनाने की सिंधी लोलो की। इसके लिए चाहिए मुझे 50 ग्राम शुगर, मैंने ली है इधर चीनी, ये देखिए एक कटोरी मैंने चीनी ली है। और मैं इसमें डालने वाली हूँ 2 स्पून गुड़ पाउडर। अगर आपके पास गुड़ पाउडर नहीं है तो आप वो अखा वाला गुड़ भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए रहेंगे 2-3 इलायची के दाने। हम इसकी चाशनी बनाएंगे पानी में डाल के सबको। ये देखिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट पानी में डाल के बॉईल कर रही हूँ मैं, और शक्कर जैसे ही पिघलती है आपको गैस बंद कर देना है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। अब हम गूंदेंगे सिंधी लोलो का आटा। इसके लिए मैंने आटा लिया है 1.5 ये बाउल, और मैंने 1/2 बाउल लिया है मैदा। इसके बाद मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ एक छोटी कटोरी भरकर। ये देखिए पूरी कटोरी देसी घी डाला है मैंने। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है आटे को। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने वो जो चाशनी बनाई थी उसको हम धीरे धीरे इसमें पोर करके इसका आटा गूंदेंगे। और आपको आटा नरम नहीं गूंदना है, थोड़ा कड़क ही गूंदना है। आपको दिखाती हूँ मैं, आपको धीरे धीरे चाशनी डालनी है और आटा गूंदना है, क्योंकि वो मिठास आनी चाहिए आटे में। इसलिए देखिए आपको ऐसा आटा गूंदना है। हम 2 टाइप के लोले बनाने वाले हैं, एक फ्राई लोले बनाएंगे हम और एक सेके हुए लोले। तो मैं पहले आपको दिखाऊंगी कि सेके हुए लोले बनते कैसे हैं। इसके लिए आप ऐसे मोटी लोई बना लीजिए पहले। इसके 3 भाग हो रहे हैं जो मैंने अपने आटा गूंदा है। देखिए अब हम इसको बेलेंगे, आपको कोई आटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बेल जाएगा। अब इसको हल्के हाथ से बेलिए, ये शेप में नहीं रहेगा, आपको अपने हाथ से शेप में वो ला सकते हैं आप। ये देखिए ऐसा इतना मोटा होना चाहिए ये। हाँ ये देखिए साइड साइड से आप ऐसे कर दीजिए। फिर कांटे की चम्मच से इसमें आप छेद कर दीजिए, क्योंकि इसको फुलाना नहीं है हमें, इसको कड़क बनाना है। देखिए अब हम इसको सेकेंगे। आप तवा रख लीजिए, उसमें ऑयल डालिए 2 छोटे चम्मच और उसको थोड़ा फैला दीजिए। फिर उसमें आपने जो लोला बेला है उसको डाल दीजिए, और आपको इसको स्लो आंच पे पकाना है। इसको बनने में करीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। आपको वापस ऑयल चारों तरफ डालना है और आप रख दीजिए इसको स्लो पर। अब हम देखते हैं ये दूसरी बाजू से पका है कि नहीं। ये देखिए एकदम क्रिस्प हो गया है। अब वापस आप चारों बाजू इसके ऑयल डालिए और इसको दूसरे बाजू से पकने दीजिए स्लो आंच पर। चलिए हम देखते हैं दूसरे बाजू से पका है कि नहीं। ये देखिए एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है और ये रेडी है सर्व करने के लिए। अब इसको प्लेट पे निकालिए और उसके ऊपर हल्का सा देसी घी डालिए। ये देखिए एकदम क्रिस्प हो गया है। थोड़ा सा हम देसी घी डालेंगे इसके ऊपर
एंड इट्स रेडी टू ईट। अब हम शुरुआत करेंगे बनाने की हमारे फ्राई लोलो की। ये आप सेम लोई ले लीजिए और इसको बेल लीजिए उसी आकार में। इसको साइड साइड से आप शेप बना लीजिए और इसमें आपको फोक से छेद कर लेना है। अब आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, बट मैं इसको गोलाकार शेप दे रही हूँ एक ग्लास की मदद से। ये जो मेरी लास्ट लोई थी मैंने वो भी बेल ली है और मैं इसको चाकू से शेप दे रही हूँ। देखिए चलिए अब हम इनको फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम गोल वालों को फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया, हम इसको निकाल लेंगे। अब हम हमारे दूसरे जो बनाए थे हमने वो फ्राई कर देंगे। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए, अब हम इसको भी निकाल देंगे। हमारे फ्राई लोले भी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको ग्राइंड शुगर से गार्निश करेंगे। ये देखिए अब आपको इसके ऊपर जो कढ़ाई वाला ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा डालना है, जिससे जो शक्कर है ये अच्छे से उसके ऊपर चिपक जाएगी और ये और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। ये देखिए तैयार है हमारे फ्राई लोले ऑल्सो। अब आप इन लोलों को एक एयर टाइट डब्बे में पैक करके रख सकते हैं। आप ये 3 दिन तक खा सकते हैं आराम से। ये देखिए Do not forget to subscribe my channel and please click on bell icon for more.